सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज दिवाली है तो आज हम दिवाली का ब्लॉग शूट किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी देखिए, अभी अभी हमने ब्लॉग अपना शुरू किया है और ये बच्चे हैं जो कि सजावट कर रहे हैं और पूजा से लेकर के पटाखों तक की कैसे हमने दिवाली का त्यौहार मनाया है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दिवाली के दिन हम मंदिर गए थे और मंदिर का भी हमने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जो मंदिर है ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है तो हम वहीं गए थे और हम दिखाएंगे आप लोगों को अपना मंदिर जो हमारे पड़ोस में है, बिल्कुल हमारे घर के बगल में है। दोस्तों आप सभी लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये साड़ी मैंने ली है दिवाली पे, तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है। और ये गाजरी कलर की साड़ी है, ग्रीन ब्लाउज है, तो कैसी लगी आप लोगों को। ये मैंने दिवाली के लिए ली थी तो इसको आज मैंने पहना है दिवाली पे। अभी हम आपको पूरी फोटो आपको दिखाएंगे, तब आप लोग बताइएगा कि ये साड़ी मेरी कैसी लगी। आज दिवाली पे हमने पहनी है और इसको हम भैया दूज पे भी पहनेंगे। जब हम भैया को टीका लगाने जाएंगे तब भी हम यही साड़ी पहन के जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है पहनने पे और ये बहुत हल्की है, सॉफ्ट है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। अभी दिखाते हैं आपको पटाखे, घर के बाहर बहुत सारे पटाखे दग रहे हैं तो आप लोग देखिए इंजॉय करिए। पटाखों से पहले हम आपको थोड़ा सा अपना मंदिर दिखा देते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा हमने किस प्रकार से की है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये हमने चौकी सजाई है और पूजा हमारी होने वाली है। पूजा लगभग हो चुकी है क्योंकि अभी आरती नहीं हुई है और चिराग वगैरह हमने जला दिए हैं और जो थोड़ी बहुत पूजा होनी थी वो हुई भी है। सिंधु सुता मैं सुमरो तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वो आशीष जगदम्बा पुलम्बा, तुम ही हो सब घट घटवासी, विनती या हमरी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। पूजा हो चुकी है और बिटिया ने रंगोली बनाई है और रंगोली वो सजाने जा रही हैं, तो वो अपना डिजाइन वाला जो भी उनका डेकोरेशन था उन्होंने कर लिया है और वो डिजाइनर दिया भी बनाई है। दिया ये मार्केट से हम लेके आए थे, शादी दिया थी और इन्होंने दिया पे सारे दियों पे कलर से डिजाइन बनाया है और यही दिया ये जलाएंगी और अपनी रंगोली पर रखेंगी। ये दोनों बहनें अपना अलग अलग रंगोली बनाई हैं दोनों, और दोनों ही अपनी अलग अलग रंगोली को सजाएंगी। कुछ बच्चे हैं जो कि बाहर अनार वनार दगा रहे हैं और हमारी फ्रेंड भी आ गई हैं हमसे मिलने के लिए दिवाली के टाइम। अभी अभी हमारी पूजा ख़त्म ही हुई थी कि हमारी फ्रेंड भी आ गई थी हमसे मिलने, तो थोड़ी देर हम लोग बैठकर बातचीत किए हैं इनके साथ। इनका बेटा भी आया था और हस्बैंड भी इनके आए हैं, तो हम सभी लोग बैठकर थोड़ी बहुत देर बातें की हैं और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर पटाखे वगैरह जलाए हैं और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मस्ती की है और हम लोग भी काफ़ी दिनों के बाद मिले थे तो खूब सारी बातें भी हम लोगों ने की हैं। हुमा कहाँ तक आवाज़ हटाओ, तो ही है ना, चलो जल्दी अंदर हटाओ। Thank you.
दिया जलाने आए हैं। ये मंदिर हमारे घर के पास है और कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हम लोग इसी मंदिर में आते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ जरूर की जाती है। ये हमारे, ये समझ लीजिए हमारे गांव का ही मंदिर है, जहाँ पर किसी के घर में शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो या विवाह होता है किसी का, तो इसी मंदिर पे सब लोग आते हैं। कामा देवी मंदिर है ये और यहाँ पर सारे भगवान स्थापित हैं। माता जी भी हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं माता रानी यहाँ पर जो मंदिर पे हैं। हमारे यहाँ माता रानी स्थापित हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं दोस्तों। भोले बाबा भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर हनुमान जी हैं, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि यहाँ पर सारे भगवान हैं। कृष्ण राधा भी यहाँ पर हैं, जन्माष्टमी भी यहाँ बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो हम लोग दिवाली पर इस मंदिर में दिया ज़रूर जलाते हैं। पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग हमारे यहाँ इस मंदिर में आते हैं और चिराग जरूर जलाते हैं सब कहीं। तो ये हमारे यहाँ का प्रचलन ही है, समझ लीजिए कि दिवाली के त्यौहार पे हम लोग इस मंदिर में ज़रूर आते हैं और बहुत ही सच्चा मंदिर है। आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं तो यहाँ पर आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। ये माता जी हैं जो कि नवरात्रि में यहाँ पर बहुत धूम मचती है इस मंदिर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पंडित जी हैं जो कि इस मंदिर में रहते हैं, तो हमने पूजा कर ली है और पंडित जी को प्रसाद भी दे दिया है। प्रसाद देने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत भीड़ भी रहती है, किसी किसी टाइम पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी यहाँ एक दो लोग आते हैं, अपना चिराग रख कर, दिया जलाकर वापस चले जाते हैं। तो ये समझ लीजिए हमारे यहाँ सामाजिक ये मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। जिसका भी मन होता है वो सभी लोग यहाँ पर पूजा करते भी हैं, पूजा करवाते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर कीर्तन भी करवाया जाता है, तो इस मंदिर में हम लोग ज़रूर आते हैं। सब कहीं हमने दिया जला दिया है, दिवाली हमने बहुत अच्छे से मना ली है। घर में भी सारी जगहों पर हमने दिया जलाया है, मंदिर में दिया जलाया है और बच्चों ने ढेर सारी मस्ती भी की है। ये हम मंदिर आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा मंदिर है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पड़ोस का मंदिर है और हमारी पूजा हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।